फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए राजस्थान बोर्ड एग्जाम के द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12 भूगोल का फुल सोल्यूशन। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कक्षा 12 भूगोल का आपका ये पेपर किस प्रकार से आए, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पल्ली बस्तियों के अन्य नाम क्या हैं? पाड़ा, पाली, नगला, सभी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, मध्यकालीन नगर कौन सा है? प्रयागराज, गोवा, जयपुर, पटना, पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर। उसको नोट करिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, जनसंख्या आकार के आधार पर भारतीय नगर कितने प्रकारों में वर्गीकृत हैं? 4, 5, 6, 7। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 6। इसको नोट करिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, वनाधीन भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसको नोट करिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, मक्का, चावल, ज्वार, गेहूँ। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूँ। इसको नोट करिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर छठा, ओस, अमन व बोरो किस खाद्यान्न की किस्में हैं? कपास, चना, रागी, चावल। तो क्वेश्चन नंबर छठा का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल। इसको नोट करिए कॉपी में अपनी। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सातवां दिया हुआ है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या नहीं है? भूमि सुधारों की कमी, निम्न उत्पादकता, व्यापक अल्प बेरोजगारी, नियमित मानसून। तो क्वेश्चन नंबर सातवां का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमित मानसून। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर आठवां दिया हुआ, जलोढ़ मैदानों में कौन से प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, परिक्षिप्त। तो क्वेश्चन नंबर आठवें का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गुच्छित। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर नौवां दिया हुआ, मेगा नगर, मेगा सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? 5 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, 75 लाख से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर नौवां का 8, 400, 400, 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउट का 8, 400, 400, 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8, 400, 400, 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 लाख से अधिक। उसको भी नोट करिए कॉपी में अपनी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्न में से शैक्षिक नगर नहीं है, अलीगढ़, पिलानी, रुड़की, माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 10 का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माउंट आबू। इसे भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, भारत में 2011 के अनुसार कुल महानगर हैं 48, 53, 58, 74। क्वेश्चन नंबर 11 का बार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 53। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, भू राजस्व विभाग द्वारा भू उपयोग की को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 9, 8, 7, 6। क्वेश्चन नंबर 12 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 9। इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भू उपयोग के परिवर्तन के क्या कारण हैं? अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव, कृषि का घटता योगदान, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। इसको भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, कृषि गहनता प्राप्त करने का सूत्र है, पहला ऑप्शन दिया हुआ सकल बोया गया क्षेत्र गुणे 100 बटे निवल बोया गया क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है निवल बोया गया क्षेत्र गुणे 100 बटे सकल बोया गया क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सकल बोया गया क्षेत्र गुणे 1000 बटे निवल बोया गया क्षेत्र, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कोई भी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 14 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सकल बोया गया क्षेत्र गुणसव बटे निवल बोया गया क्षेत्र, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए कॉपी में अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 15, उष्ण कटिबंधीय फसल नहीं है कपास जूट चावल गेहूँ, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों ये दिया था आपका उष्ण कटिबंधीय फसल नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का द नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गेहूँ, इसे नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ, निम्न में से कौन से धरातलीय जल के स्रोत हैं तालाब नदियाँ झीलें सभी, क्वेश्चन नंबर 16 का द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सभी, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, लैगून एवं पश्च जल किसके तट पर पाए जाते हैं केरल उड़ीसा दोनों कोई भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों, इसे भी आप नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, जल अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ 1974 1986 1970 1991, क्वेश्चन नंबर 18 का आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1974। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 19, जल संरक्षण हेतु जोहड़ व नाड़ा बनाने की परंपरा कौन से राज्य में प्रचलित है, पहला ऑप्शन दिया हुआ तमिलनाडु, दूसरा दिया हुआ राजस्थान, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया हुआ हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 19 का बारह नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान, इसे नोट कर लीजिए कॉपी में अपनी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है कृषि। इस प्रकार से दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।